पबजी से शुरू हुई लव स्टोरी फिर अपने प्यार के लिए सरहद पार कर भारत आई महिला सीमा हैदर की चर्चा हर तरफ है। लगातार इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट की बात की जाए तो भारत नेपाल बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर SSB तैनात है। हर तरफ CCTV लगे हुए हैं जिसकी फुटेज को अब खंगाला जा रहा है। सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जल्द ही UPATS की टीम नेपाल जा सकती है। सोमवार से ही सीमा से पूछताछ हो रही है। मंगलवार को भी पूछताछ हुई जिसमें सीमा ने कई राज उगल दिए, जिसमें से एक राज ये भी था कि भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था। पूछताछ के दौरान सीमा ने UPATS को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। हालांकि अभी तक कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीमा ने नहीं दिए हैं। अभी तक की पूछताछ में सीमा ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार अपने चाचा और भाई के संपर्क में है। ATS की टीम सीमा और सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से नोएडा के सेक्टर 58 स्थित कार्यालय पर अलग अलग और आमने सामने बैठा कर पूछताछ कर रही है। इन दोनों की लव स्टोरी की अगर बात की जाए तो सीमा और सचिन की बातचीत साल 2019 में कोरोना काल के दौरान शुरू हुई थी। पबजी खेलते खेलते दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इस दौरान करीब 4 महीने बीतने के बाद दोनों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए और ऑडियो वीडियो कॉल होने लगी। सीमा हैदर ने 3 देशों की सरहद पार कर 13 मई को भारत में घुसपैठ की। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के कस्बा रबुरपुरा में आकर रहने लगी। सीमा पर पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा आने से पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई, फिर नेपाल आई। इसके बाद नेपाल से अवैध रूप से भारत में उसने घुसपैठ की। बता दें कि इस केस में लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी ओर सचिन के इंस्टाग्राम को लेकर भी अब बड़ा खुलासा हुआ। सचिन ने इंस्टाग्राम पर कोई DP यानी कोई प्रोफाइल फोटो नहीं लगा रखी थी। सचिन के अकाउंट को केवल सीमा ने ही फॉलो कर रखा था। सचिन के फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही अकाउंट प्राइवेट थे। बाकी सीमा सचिन के फोन्स की बारीकी से जांच की जा रही है। लगातार सीमा कई ऐसी बातें कह रही है जिसमें UPATS उलझती जा रही है। बताया जाता है कि सीमा ने अपने फोन से डेटा भी डिलीट किया हुआ है। उसके पास से करीब 5 मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें एक फोन टूटी हुई हालत में मिला है। इस टूटे हुए फोन से ATS डेटा को रिकवर करने की अब कोशिश कर रही है। इसके अलावा सचिन के पास से भी एक टूटा हुआ फोन बरामद किया जा चुका है। सीमा के पास से 2 कैसेट भी मिले हैं, जिसके बारे में सीमा का कहना है कि ये कैसेट उसके बचपन और शादी की है। शादी की यादों को उसने इस कैसेट में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए वो हमेशा उन्हें अपने पास रखती है। खैर, अब सीमा और सचिन के और किस राज से पर्दा उठना बाकी है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।